जी नमस्कार, वेलकम बैक। मैं एक बार फिर शेफ पवन आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आया हूँ मैं, जिसका नाम है वेज चकोरी, जो कि तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहले हम मिक्सर बनाना सीखेंगे, फिर दूसरा पार्ट उसको ग्रिल करना सीखेंगे, और तीसरा पार्ट जो कि ग्रेवी बनाना सीखेंगे। तो आइए चल देखते हैं कि कैसे बनाते हैं वेज चकोरी। आइए अब हम सीखते हैं चकोरी का मिक्सर कैसे बनाते हैं। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम घी लेंगे, अभी इसमें फिर हम जीरा डालेंगे, उसके बाद अनियन डालेंगे, हम फिर थोड़ा ग्रीन पीस डालेंगे, थोड़ा कॉलीफ्लावर, थोड़ा गाजर, थोड़ा बीन्स, पनीर, थोड़ी चिल्ली डालेंगे, थोड़ा हल्दी, थोड़ा चिल्ली, थोड़ी नमक, इसको 2 मिनट हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको बाइंड करने के लिए लास्ट में हम पोटैटो डालेंगे। ये जो आलू हमने डाला है इसमें, ये पहले हमने बॉइल्ड किया और उसको ग्रेट किया। अब जैसा मिक्सर तैयार हो गया, मिक्सर को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे, उसको थोड़ी ठंड होने के लिए। और दूसरा स्टेप जो हमारा है, कैसे उसकी ग्रेवी बनाते हैं, वो अब हम सीखेंगे। तो आइए चलिए सीखते हैं कि उसकी ग्रेवी कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं। आइए चलिए सीखते हैं अब हम उसकी ग्रेवी बनाना। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा घी लेंगे, अनियन डालेंगे, चिल्ली डालेंगे, कैसू पेस्ट, कैसनट पेस्ट, पालक पेस्ट डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी नमक डालेंगे। अभी आप जैसा देख सकते हैं कि हमारा कैसनट्स एंड स्पिनच ग्रेवी भी तैयार हो गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ना है, और वो है जो हमने मिक्सर बनाई है उसको हम कैप्सिकम शिमला मिर्च में स्टफ करेंगे, उसके बाद उसको ग्रिल करेंगे। तो ये था हमारा आज का वेज चकोरी जो मैंने आपको बताया, और मुझे आशा है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वाकई में पसंद आती है तो हमारे नीचे लिखे हुए वेबसाइट पे आप अपना कमेंट ज़रूर दें।